पुचका खा लिया और यहाँ पे मोमो मिल रहा है, तो चलिए यहाँ से मोमो ले लेते हैं। पुचका काफी अच्छा लगता है यार। इयर रिंग का काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन लग रहा है यार, बड़ा बड़ा भी है। मैं इतना बड़ा पहन, जहाँ मैं बड़ा पाव लेती हूँ वहाँ पे आज कितना भीड़ है। फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सुबह सुबह कर लिया है मैंने अपने वीडियो का शुरुआत। तो अभी बज रहा है सुबह का 9, तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। और मैं आज है ना सुबह ही नहा के पहले तो कपड़ा वगैरह खींच ली थी, बट रख दी थी, डाली नहीं थी क्योंकि टिफ़िन खाना बनाना था। तो सब मैंने पहले कंप्लीट किया, फिर अभी आई हूँ कपड़ा डालने के लिए, तो सब डाल दिया है मैंने। अभी जाऊँगी ब्रेकफास्ट करूँगी, आर्यन कर लिया, घर में सभी ने कर लिया, मैं ही बाकी हूँ। तो जाती हूँ पहले कर लेती हूँ, उसके बाद आज थोड़ा मैं जाऊँगी सालकिया मार्केट, क्योंकि पूजा भी नज़दीक आ रहा है। और बुग्गी के लिए सोचा है, ऋषिका के लिए सोचा है, मैंने कुछ मतलब कुछ लूँगी और खुद के लिए अगर कुछ दिखेगा तो। और आर्यन के लिए तो कपड़ा हो ही चुका है, आर्यन के पापा के लिए भी हो गया है। बस देख सकते हैं बगल की बच्ची चिल्ला रही है। तो जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या काम है, करूँगी पहले जाऊँ ब्रेकफास्ट कर लूँ। और खाना में वैसे आज मैंने बनाया घुघनी का सब्ज़ी, मतलब जो काबली चना काबली मटर होता है ना वो मैंने बनाया है, चावल बनाया है। बस थोड़ा सा मैं आर्यन के पापा के लिए प्याजू बना दूँगी, बस हो जाएगा। और अभी पहले जाती हूँ, रात का रोटी है और वो सब्जी जो बनाया है वो, जाती हूँ पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर क्या क्या काम है अगर कुछ है स्पेशल दिखाने को तो ज़रूर दिखाऊँगी। बस आप लोग ऐसे ही बने रहो, और जितने भी लोग मुझे प्यार दे रहे हो, कमेंट करते हो, मुझे मतलब बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही सब देख के मुझे और भी लगता है कि हाँ मैं और करूँ, और भी कुछ अच्छा करूँ जो कि आप लोगों को पसंद आए। तो बस आप लोग ऐसे ही बने रहो, और बीच बीच में नहीं भी तो मैं अपना जो भी मेरा रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करूँगी। अगर पसंद आए तो बोलिएगा, नहीं पसंद आए तो भी बोलिएगा, मतलब बोलिएगा। तो देखिए ये होने वाला मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने सब्जी और रोटी ले लिया, ये मटर का सब्जी जो मैंने भी बताया घुघनी का, और यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा चाय, अभी आर्यन खाया तो देखिए गिरा के खाया। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर अगर कुछ दिखाने को तो दिखाएंगे, नहीं तो मार्केट निकलेंगे, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैं निकल चुकी हूँ यार, बड़े दिनों बाद बाहर, धूप भी अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए फिलहाल जाना है सलकिया, चलती हूँ टोटो ले लूँ पहले, उसके बाद मार्केट जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं, बस बने रहिए। तो देख सकते हैं इस साइड से बड़े दिनों बाद जा रही हूँ, मैंने सोचा कि पानी सूख गया होगा, एक टोटो वाले थे उनसे पूछी टोटो कहाँ से मिलेगा, तो बोले आगे जाइए, बट यहाँ तो देख रहे हो अभी भी पानी है, जहाँ तक रास्ता ऊँचा वहाँ तक नहीं है, बट वहाँ पर है थोड़ा। स्कूल का तो क्या ही हाल बोलूँ, फिर भी आते ही होंगे बच्चे पढ़ने, आए स्कूल कितना दिन कोई नागा करेगा। देखिए पानी सूखने के बाद का हाल। चलिए चलते हैं, भूल हो गया, उस साइड से जाती तो सही रहता, मुझे नहीं पता था कभी भी इतना पानी है। मार्केट में आ चुकी हूँ और अभी तो आफ्टर है, तो ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आर्यन के पापा बोले कि तुम आफ्टर में ही चली जाओ, तो मैं आ गई हूँ, क्योंकि शाम होने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है पूजा का मार्केटिंग। देख सकते हैं कलेक्शन एक से एक है, बहुत अच्छा अच्छा कुर्ती, अभी मेरी दीदी आती तो उसे पूरा चाहिए होता पक्का, मुझे भी है बट साड़ी का है, तो काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन है देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए देखते हैं क्या क्या लेना है, ले लेते हैं। जहाँ मैं बड़ा पाव लेती हूँ वहाँ पे आज कितना भीड़ है। दुकान के अंदर आ चुकी हूँ और देखती हूँ क्या क्या पसंद आता है क्या क्या नहीं। फिलहाल अभी आर्यन के पापा आ रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उनका ही पसंद से लूँगी मैं। तो यहाँ इतना खूबसूरत खूबसूरत फ्रॉक था ना, मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत पसंद आ रहा था यार, काश मैं भी छोटी हो जाती और ये सब पहन लेती। तो चलिए ले लेते हैं, यहाँ से तो मुझे जो लेना था ले लिया है मैंने, घर पे जाकर दिखाऊंगी और देखती हूँ और क्या क्या कुछ सामान है जो लेना है ले लो। पूजा का मार्केट जो बहुत ही अच्छा लगता है यार, सामान लेने के बाद यहाँ पे मोमो वाले बैठते, एक सिस्टर है जो बोली थी दी यहाँ से लीजिएगा मोमो, बहुत अच्छा बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बट वो तो बैठे हैं नहीं, मैं सोची थी बैठे रहते हैं बट नहीं बैठे हुए हैं। खैर कोई नहीं, आना जाना लगा रहता है, मैं फिर कभी आके खा लूँगी, जाती हूँ देखती हूँ कुछ और भी अगर सामान है याद कर कर के ले लूँ। इयर रिंग का कलेक्शन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, मुझे पसंद आ रहा है, मैं देख रही हूँ कौन सा ले रही हूँ।
काफी अच्छा लग रहा है। इयररिंग का काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन लग रहा है यार, बड़ा बड़ा भी है। मैं इतना बड़ा पहनती नहीं हूँ, बट सोच रही हूँ वीडियो बनाने के लिए तो चाहिए ही होता है, तो लेती हूँ, एक दो ले ही लेती हूँ। प्राइस भी अच्छा खासा है, 100-120 करके। तो वहाँ से झुमका और ग्लीचर लिया मैंने, और एक ठो सेफ्टी पिन लिया बस। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी पुचका खाने के लिए, ज़्यादा नहीं, मैंने बस 10 रुपये का ही खाया। 10 रुपये में 5 देते हैं, मतलब 4 पुचका देते हैं और एक पापड़ी देते हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट था काफ़ी। तो देखते हैं और क्या लेंगे। पुचका खा लिया और यहाँ पर मोमो मिल रहा है, तो चलिए यहाँ से मोमो ले लेते हैं। पुचका काफ़ी अच्छा लगता है यार, मैं खा चुकी हूँ और यहाँ से मोमो ले लेती हूँ। चलिए, भीड़ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं वेज नॉनवेज दोनों का ही ऑप्शन था, तो मैंने भेज ही लिया। उसके बाद थोड़ा भीड़ था क्योंकि जितने लोग थे यहाँ पे पार्सल लेने वाले थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे भैया भेज है ना, सटा मत दीजिएगा, नॉनवेज में ये मत कर दीजिएगा। होता है ना, कितने लोग नहीं खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं, टच भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद घर में जाके आप लोग से मिलते हैं। फैमिली फाइनली जस्ट आई हूँ, और अभी भी आर्यन स्कूल से नहीं आया है तो अब आ जाएगा, तो उसके लिए मोमो लिया है मैंने। तो मोमो मुझे वहाँ तो नहीं मिला, राखी सिनेमा हॉल के जस्ट थोड़ा सा पहले मिला, मतलब चौरास्ता से जब जाओगे सलके ना तो थोड़ा चलोगे तो फिर मिलता है, तो वहाँ से लिया है मैंने। वहाँ का भी अच्छा होता है, बट यहाँ का जो सिस्टर बोल रही थी वहाँ का भी मैंने ट्राई नहीं किया है, करूँगी। तो आज तो बैठा नहीं था, फिर कभी मार्केट जाऊँगी तो फिर ले लूँगी। तो फिलहाल क्या क्या लिया है मैंने, चलिए दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने बुग्गी के लिए, मुझे काफ़ी पसंद आया ये पैंट है जीन्स का, और ऊपर से ये टॉप है, तो सोच रही हूँ कल जाऊँगी तो उसे दे दूँगी मैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, तो ये लिया है मैंने बुग्गी के लिए। अब ये मैंने लिया है ऋषिका के लिए, एक ये लिया है और एक ये भी लिया है, दो लिया है मैंने, देख सकते हैं ये और ये है। तो खोल के क्या ही दिखाऊँ बच्चों का कपड़ा, बस मुझे बुग्गी का दिखाना था क्योंकि वो तो मैं लेके उसे चली जाऊँगी, वो पहनेगी वहाँ पर, और यहाँ पर तो कभी ऋषिका पहनेगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये दोनों ये लिया है मैंने, और खुद के लिए क्या लिया है वो भी दिखाती हूँ। के लिए ये लिया है, देखिए ये झुमका एक ले लिया है, जो कि सब पे चलेगा, कलर काफ़ी अच्छा है, मतलब कलरफुल है, तो मैं सोची सभी पे चलेगा। और ये दो ग्लीचर लिया है मैंने, ये झुमका लिया है मैंने 100 का, और 120-150 ऐसे करके भी था, बट मुझे यही अच्छा लगा, बहुत बड़ा बड़ा था वो मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये दोनों लिया है क्लिप मैंने, और मुझे क्लिप चाहिए था बट नहीं था कलर अच्छा, तो इसलिए सिर्फ मैंने दो ही लिया है। तो बस फिलहाल मैंने इतना ही कुछ लिया है, स्पेशली मैं बस गई थी कपड़ा लेने के लिए, तो फाइनली ला दिया है मैंने। तो चलिए देखती हूँ, और पहले ही से रख लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और एक चीज़ तो मैं दिखाई नहीं, मैं आप लोगों के लिए घर में पहनने के लिए मैंने ब्लाउज भी लिया, वो मैं नहीं दिखाई, वो भी दिखा देती हूँ। देखिए ये तीन मैंने ब्लाउज लिया जो कि घर में पहनने के लिए है, रेड ब्लैक और एक ग्रीन, जो कि कम्फर्टेबल होता है ना, जो ब्लाउज सिला हुआ होता है ना जो ब्लाउज के साड़ी के साथ, वो मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगता है, तो सोचती हूँ घर में पहनने के लिए सही है, तो यही मैंने लिया है। तीन ठो मैंने 195 में लिया है, तो अच्छा है, और पूरा कॉटन है, तो बस मैंने खुद के लिए इतना यही लिया है बस, देख सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को सॉरी आपको मैं बोल रही हूँ। तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ देख लीजिए आर्यन के पापा रात में लाए बिरयानी, मैं बोली कहाँ से लाए, तो बोले अरे दोस्त लोग लाए, मेरे को भी दिया, तो हम वहाँ खाए नहीं, यहाँ लेके चले आए कि तुम और हम लोग मिल के खा लेंगे। तो मैं बोली मेरा तो पेट भरा हुआ, बोले नहीं थोड़ा सा भी खा लो, बिरयानी अच्छा था, मतलब टेस्टी लग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके हम आर्यन के पापा सभी कोई खा लिए। उसके बाद सब सोया हुआ था, किसको ही जगाते हैं, इसीलिए तो हम लोग मिल के खा लिए तीनों। क्वान्टिटी भी ठीक था, यहाँ पर चिकन है देख सकते, और एक पीस आलू था। मैं वीडियो को एंड कर चुकी थी बट आया तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो देख सकते हैं अच्छा लगता है, कुछ भी वो छोटा चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए उतना भी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी नहीं था बट था, तीनों लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए, और आर्यन के पापा को बोल रहे थे मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, उनको उतना पसंद नहीं है सच बोले तो, हम और आर्यन है ना खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए अब एंड कर देते हैं।